हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम जुबैर है और आज अपन देख रहे हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टीमीटर यूज़ क्यों करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आज अपन देखेंगे मल्टीमीटर क्या होता है, फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन सी यूनिट्स अपन इलेक्ट्रिकल के इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने पास जो है ये डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसके बारे में, इसके फंक्शनिंग वगैरह ये देखेंगे। ठीक है, तो आज ये यूनिटी का अपने पास डिजिटल मल्टीमीटर है। बेसिकली बाकी काफ़ी मैक के आते हैं और भी आते हैं, इसके बारे में देखते हैं अपन। तो ये अपने पास जो है, इसके पीछे देखते हैं पहले तो पावर सप्लाई के बारे में, ये ऑपरेट कैसे होता है। ठीक है, इसमें पावर सप्लाई 9 वोल्ट की, वन बैटरी यूज़ की हुई है 9 वोल्ट की, तो इससे ये है यूज़ कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद में इसमें है, ये आपको पोर्शन दिख रहा है, ये डिस्प्ले है। इसमें यूनिट्स वगैरह जैसे वोल्टेज चेक करना है, कोई भी एम्पियर चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, जो भी अपने को चेक करना है वो रीडिंग इसमें शो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद में अपने पास ये दो नॉब्स हैं। ठीक है, जो कि रीडिंग्स वगैरह चेक करने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लॉक वाइज अगर देखें तो इसमें वोल्टेज जो है चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे दोनों तरफ वोल्टेज है, तो इससे पता चलता है कि इसके जो आगे साइन वेव, जो इनके सिंबल्स बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि ये एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए है, वो डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए है। देन उसके आगे आता है करंट, एम्पियर का जो साइन है, जो करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में ओम, जो रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अपन इसको यूज़ ले सकते हैं। और डीसी वोल्टेज, अगर कहीं पर डीसी वोल्टेज अपन को चेक करना है कितना है क्या है, तो वो भी इससे मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर देखते हैं अपने पास ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो देन इससे ही पता चलता है कि ये एम्पियर चेक करने के लिए, कम करंट चेक करने के लिए अपने को ये पॉइंट दिया हुआ है। देन उसके बाद में वोल्टेज, ओम और मिली एम्पियर, आप देखेंगे इसमें भी एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला जो पॉइंट अपने को दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम करंट, जो बड़ी हाई करंट है, जैसे 10 एम्पियर तक की करंट है, वो चेक कर सकते हैं। और 500 मिली एम्पियर तक की अगर करंट अगर चेक करनी है, तो इस वाले पॉइंट से अपन चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस भी। और तीसरा जो पॉइंट है वो कॉमन का है। ठीक है, तो ये अपने जो वायर हैं, इसके दूसरा नॉब ये हैं, तो अपन इसको लगाते हैं, देखते हैं। तो ब्लैक वाला जो है वो कॉमन में अपन यूज़ करेंगे, कॉमन में इस तरीके से इसको डाल देंगे। ठीक है, एंड देन जो रेड जो अपना बच गया, उसको अगर चेक करेंगे, तो अपने को अगर करंट चेक करना है 10 एम्पियर तक की करंट, दो जो 500 मिली एम्पियर से ऊपर की करंट, 10 एम्पियर तक की करंट चेक करनी है, तो अपन इस वाले पॉइंट को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अपने को वोल्टेज, रेजिस्टेंस या मिली एम्पियर करंट अगर चेक करना है, तो इस वाले पॉइंट को अपन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देन आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले चलते हैं अपने वोल्टेज के ऊपर। तो जो अपने जो रीडिंग इसमें शो कर रखा है, तो ये जो मैक्सिमम है, तो इससे ये शो होता है, पता चलता है कि अपने मैक्सिमम 750 वोल्ट, यानी कि 750 वोल्ट तक अपन इसमें चेक कर सकते हैं। अगर किसी छोटा सर्किट है, जैसे 200 वोल्टेज तक का, 200 वोल्टेज तक का अगर अपने को चेक करना है वोल्टेज, तो अपन इसको 200 पर सेट कर लेंगे। देन इन दोनों नॉब्स की हेल्प से अपन चेक कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज जो है वो फ्लो हो रहा है। देन उसके बाद में अगर देखते हैं, अगर आपको अपनी घर की चेक करना है कितना वोल्ट आ रहा है, या फिर थ्री फेज में चेक करना है, जैसे थ्री फेज में 415 होता है, और घर में जो नॉर्मली घरों में 230 तक जो आता है अपना काम में आता है, तो इसके लिए 200 में नहीं आ पाएगा। इसके लिए इस नॉब को 750 पे सेट कर लेंगे। देन इसकी हेल्प से ये न्यूट्रल पे, एंड देन इसको फेज पे लगा के अपन चेक करेंगे, तो इसमें जो भी जितना भी वोल्टेज आएगा, जैसे 230 या 240 जो भी है, वो यहाँ पे शो कर देगा। देन इसी तरीके से अपन एम्पियर में चलते हैं, जैसे करंट, किसी भी सर्किट में करंट चेक करनी है, कितनी करंट आ रही है, कितनी जो भी है वो चेक करते हैं। तो इसके लिए जो है, अगर अपनी
2000 माइक्रो एम्पियर से छोटी करंट, कम करंट है तो देन इसके नोब को इस पर सेट कर लेंगे। देन अपना अगर ज़्यादा है करंट, मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर तक की करंट है, देन उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर उससे भी ज़्यादा करंट है जैसे कि 200 हो गया, फिर 10 एम्पियर तक है, तो 10 एम्पियर तक के करंट के लिए इसको 10 एम्पियर पे सेट कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया, 10 एम्पियर की करंट चेक करने के लिए अपने को ये वाला जो पॉइंट है वो यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इसमें शो नहीं करेगा, रीडिंग एरर बताएगा। देन उसके बाद में अगर किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी चेक करनी है, जैसा कोई भी वायर है सर, जैसे पैनल वगैरह होता है उसमें क्या है बेसिकली पता नहीं चलता कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए अपने को कंटिन्यूटी चेक कर, कंटिन्यूटी के थ्रू देख सकते हैं कि इस वायर से इस वायर में ये वायर यहाँ पे कनेक्ट है। इसके लिए अपने को इस नॉब को डायोड मोड, जो डायोड मोड अपने को दिख रहा है, आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर अपन सेट करेंगे। देन इन दोनों नॉब्स को एक तरफ और दूसरी तरफ जो है लगा, तो जैसा कि आपको दिख रहा हो गया अभी कि जैसे ही इन दोनों नॉब्स को टच करते हैं तो अपने को बीप की आवाज़ आती है, ठीक है, हटा लेते हैं तो हट जाती है। देन इससे ये शो होता है कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। जैसे किसी वायर में अगर चेक करेंगे दोनों तरफ से तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा या बीप की आवाज़ आएगी, इससे पता चल जाएगा इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसके बाद में अगर किसी भी सर्किट का, अगर किसी भी रेजिस्टेंस को चेक करना है अपने को, कितने ओम का है रेजिस्टेंस या जो भी है, उसके लिए अपने को ये ओम जो बना हुआ है, जो रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, तो मिनिमम इसमें जो है अगर 200 से नीचे का ओम है, जैसे 200 ओम से नीचे का रेजिस्टेंस है, तो देन इसके चेक करने के लिए इसको 200 पे सेट करेंगे। देन जो हाईएस्ट जो रेटिंग है इसकी 2000 के किलो ओम, ठीक है, 2000 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को अपन इससे चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर डीसी वोल्टेज जो है अपने को चेक करना है, डीसी वोल्टेज किसी सर्किट में चेक करना है कि कितना आ रहा है, देन उसके बाद में इसमें जो मिनिमम अगर 200 मिली एम्पीयर से नीचे का अगर वोल्टेज है, देन उसको 200 पे सेट करेंगे। अगर उससे हायर रेटिंग का अगर वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, तो उसको सेट करेंगे अपन ज़्यादा रेटिंग पे, 1000 मैक्सिमम जो है इसकी 1000 वोल्ट तक अपन जो है इसको सेट कर सकते हैं। 1000 वोल्ट तक का वोल्टेज अपन जो है डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। देन और एसी में देखा जाए तो 750 तक इसको चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद में जो है ये ऑफ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है अपना मल्टीमीटर है, इसकी जो है वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, एम्पियर कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रैक्टिकली अगर किसी भी सर्किट का या किसी भी वायर का, किसी भी मतलब कहीं का भी अगर वोल्टेज चेक करना है किसी भी सर्किट वगैरह का, वो कैसे करते हैं, वो अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना काफ़ी।